आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष फिलहाल कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में बंद है, जहां उन्हें अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मंगलवार से घोष प्रेसिडेंसी जेल के एक सेल में अकेले दिन और रात बिता रहे हैं। बाहर एक आलिशान और ऐश भरी जिंदगी बिताने वाले घोष जेल में अन्य सामान्य कैदियों की तरह ही दिन बिता रहे हैं। उन्हें जेल प्राधिकरण से कोई विशेष सुविधा या वीआईपी कैदी का दर्जा नहीं मिला है। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर संदीप घोष फिलहाल प्रेसिडेंसी जेल के सेल नंबर 10 में रह रहे हैं। उन्हें पूरी तरह से अकेले रखा गया है। आरजीकर भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों और उनके करीबी सहयोगियों को जेल नियमों का पालन करते हुए अलग अलग ब्लॉक के अन्य सेल में रखा गया है। जेल के एक सूत्र ने बताया, आम कैदी होने के नाते उन्हें अन्य कैदियों की तरह फर्श पर सोना पड़ रहा है। उन्हें सोने के लिए 3 कंबल, चादरें और एक तकिया दिया गया है। उनके सेल में एक छोटा सा वॉशरूम और बाथरूम भी जुड़ा हुआ है, ताकि उन्हें सेल से बाहर न जाना पड़े। जेल के तय मेन्यू के अनुसार उन्हें अन्य सामान्य कैदियों की तरह सामान्य भोजन दिया जा रहा है। जेल के एक सूत्र ने बताया, वो जेल में आने के बाद से बहुत घबराए हुए दिख रहे हैं। उन्हें जेल के वातावरण के साथ खुद को ढालने में कुछ समय लगेगा, जो कि स्वाभाविक है। आरजीकर अस्पताल मामले की संवेदनशीलता और महत्व को ध्यान में रखते हुए जेल में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार इस विशेष मामले में गिरफ्तार प्रत्येक कैदी की सुरक्षा के लिए उनके सेल के बाहर एक जेल गार्ड तैनात किया गया है। 3 शिफ्टों में एक एक गार्ड इन कैदियों की निगरानी कर रहा है। इसके अलावा 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी भी की जा रही है। सुरक्षाकर्मी सीसीटीवी कैमरों के जरिए सभी कैदियों पर नजर रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।